अखिल भारतीय भावरी समाज कल्याण समिति का होली मिलन समारोह का आयोजन। चंदन क्यारी प्रखंड के बोगला मोड़ में अखिल भारतीय भावरी समाज कल्याण समिति का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से चंदन बावरे मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बावरे समाज के सदस्य अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में। पिछले कई वर्षों से समाज के युवा साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर गरीब परिवार की बेटी के शादी में हो या फिर किसी के श्राद्ध कार्यक्रम में सहयोग करने का काम किया है। बताया कि इस समाज के सदस्यों द्वारा हमेशा समाज के प्रगति एवं उत्थान के लिए कई कार्य किए गए। कहा, आज होली मिलन समारोह तो एक बहाना है, इसके माध्यम से सभी को एक सूत्र में बांध कर समाज आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करना है। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली की अग्रिम बधाई भी दी। मौके पर कितु बावरी, बीरबल बावरी, महेंद्र बावरी, प्रफुल्ल बावरी, उमेश चंद्र बावरी, बादल चंद बावरी, अजीत बावरी, अन्य लोग मौजूद थे। आप बोलिए ना, क्या कसम राम, क्या कसम राम हुआ, खुशी लगा, कसम राम क्या हुआ, शुभ नाम हुआ, बीरबल बावरी, अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति के क्या हुए? हम अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति के केंद्रीय सदस्य हैं। तो आपका समाज को क्या लग रहा है कि वास्तविक में समाज के हित में कुछ कर रहे हैं? जी, हमारे समाज अब जग चुके हैं, जगह जगह पर जगा रहे हैं। आज अखिल भारतीय बावरी समाज के ये महा होली समारोह में सबको मिलन में यही हम लोग तय कर रहे हैं जो हमारे समाज में जहां लड़की लोगों का शादी नहीं हो पा रहा है आर्थिक अभाव से, अर्थशास्त्र अभाव से, उसको शादी दिया जाएगा। शिक्षा में कहीं कमी है, उसको शिक्षा का व्यवस्था कर दिया जाएगा। वो जो रोग से पीड़ित है उसको भी व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग घर घर में जाकर हर दुख सुख में भागीदारी लेंगे, ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी, मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासी एवं चंदन क्यारी वासियों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और भाईचारा बनाते हुए सभी लोगों के हित के बारे में, अच्छी हित के बारे में सोचें और सभी के प्रगति के बारे में सोचें। और जी, होली मिलन समारोह समाज को लेकर किसके? होली मिलन तो एक बहाना है, सबसे प्रमुख बिंदु यही है कि हम आपस में भाईचारे को बढ़ाते हुए एक साथ सभी हमारे समुदाय में जितने भी वर्ग, विभिन्न छोटे छोटे वर्ग हैं, सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि एक साथ मिलकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करें और आगे बढ़ें। कि समाज कहाँ तक, मतलब किस किस क्षेत्र तक मतलब समाज को किया गया है? विशेष करके हमारे बोकारो जिला, धनबाद जिला, अभी तो जैसा यही दोनों जिले में बात हो रहे हैं, और हम चाह रहे हैं पूरे भारतवर्ष में एकजुटता है और एक होकर हमारे लोगों के विकास के बारे में बात करें, चर्चा करें। आपके समाज से चंदन क्यारी मिल रहे हैं? जी देखिए, हमें मतलब ऐसे हम अभी अभी आपको बता चुके हैं कि भाईचारे की बात है, और रही बात है विधायक जी हैं और हमारे, हम उनसे हमें कोई बैर नहीं है, हम चाहे सब मिल के समाज के उत्थान और समाज के विकास के लिए कार्य करें। कई घर है लेकिन ये तो कह नहीं सकते हैं, है ना, बोले हैं मैं उनका बोले बोले तो हैं, लेकिन विशेष करके हम यही कहना चाहेंगे कि समाज के उत्थान के लिए सभी आपस में मिल करके कार्य करें। इस होली में आपके समाज को क्या दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं? मैसेज सबसे पहला मैसेज यही है कि आपस में भाईचारा बनाते हुए और द्वेष की भावना ना रखें, सभी सबके बारे में अच्छी बात करें, ये नहीं। और जो सीनियर हैं, जो समाज बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं, उनको अनुकूल करें। देखिए, अच्छे बुरा दोनों में, आदमी के में दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, उनकी अच्छाई को देखते हुए, उनकी अच्छाई को देखते हुए आगे काम करें, बुराई को ना देखें। सभी में अच्छाई बुराई दोनों चीज़ होती हैं, और अगर हम बुराई को लेकर अगर बैठेंगे तो समाज के हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अच्छाई के लिए आगे बढ़ें और अच्छाई के लिए आगे समाज लोगों के लिए अच्छाई करें। मैं तो अभी नव युवक हूँ, जस्ट अपना सब चीज़ करने के बाद, और समाज में मेरा भी धीरे धीरे अभी लोगों को मैं जान रहा हूँ, हम लोग सब जान रहे हैं, जानने के बाद कुछ विशेष बड़ा कदम ली जाएगी जो समाज के बाद। इतने दिन में आप बोल रहे हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय बावरी कल्याण समाज ने क्या किया, लेकिन बहुत कुछ करने वाले हैं। उस तरह का विचार हुआ, उस तरह का रखा गया है सबके, हमारे जो गार्जियन स्वरूप लोग हैं उनके ऊपर से विचार को लिया गया है, और बहुत सारे कामों के बारे में अभी हमारे चर्चा चल रहे हैं। चलिए, बहुत अचीवमेंट, देखिए अचीवमेंट, हम अगर हम चाहेंगे कि हम अकेले इस काम को कर देते, ये सब होगा, हो नहीं सकता है।
हम सबसे पहले हमारे समाज के वैसे लोगों के सर्च में लगे हुए हैं जो समाज को सही मायने में आगे ले जाएं, और वो ढूंढने में शायद हमें हमारे 3 साल के अभी 2-3 साल और लगेंगे जब ये बन जाएंगे।